एक बार अभी तक आपने कितने पशु बिक्री कर लिए? 5-6 हज़ार पशु बिक्री कर लिया जी। आई कितने केजी दूध की भैंस निकल के आई? अपने जी 28 की, 29 की, 30 की निकल दी। 5-6 भैंस जी। तो कितने केजी दूध पे लग? मेरी एक भैंस है जो जो कि 20 प्लस मतलब कि कांडा नहीं। आपसे दी थी वो? हाँ जी। जिसमें 10 लीटर आपने भरे सुबह, फिर बोले भाई इतना देगी, तो मैंने आपसे ये कहा था कि भाई ये 11 भर तो ले जियो। पहले एक भैंस दी है 27 प्लस की। अच्छा, इसने दी थी जी, जामरी का फौजी ले गया था। अब दो हैं जी। दो हैं, कितने के जी दूध के हैं? अब एक ब्याई हुई है जी 20 दिन की। हाँ, 21 किलो प्लस है। 20 दिन की ब्याई, 21 के जी। एक ही पशु रखते हो? क्या के जी दूध का है भाई? मेरी भैंस 20 प्लस की। 20 प्लस की जी। एक भैंस बेची थी 4,10,000 रुपए की, 31 किलो दूध की। 31 किलो दूध की? हाँ जी, आज से कम भी 7-8 साल पहले। हर तरह की भाई वो कहते हैं आउंटी उंटी जो भी हो ना, सारी डाल के आउंटिया नहीं हो दे चुका है, तो कौन सी का रिजल्ट कौन सा रहा है ये बात ये देखें भाई। आप देख सकते हो इतना दूध वाला गांव बोल सकता हूँ कि 20-25 प्लस की भैंसे इधर और लगभग हर आदमी के घर में। लेकिन हाँ मैनेजर। अच्छा, तो बच्चे क्या काम करते हैं? बच्चे बड़ा लड़का तो आईएस है, छोटा कैग में है। तो ये देखें भाई, आप लोगों को कवर करके दिखा देता हूँ। पीठ पुठे की चौड़ाई देखें भैंस की, बहुत ही सुंदर। अगर आप नज़दीक आकर के इस पशुधन को देखें, क्योंकि ऐसी ऐसी जो पशुधन कई बार क्या होता है कैमरे में कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। HLDB के इतना सुंदर नगीना, और भाई मेरा भी सौभाग्य है कि भाइयों ने मैं बुलाया और मैं आ गया, नहीं तो और कोई आता तो ये पता नहीं कौन से सिमन की बन जाती। लेकिन जो तो ये देखें भाई, इसमें आप देख पा रहे हो, घुमा दे भाई कैमरा, इसमें जवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। अगर कोई करता हो ना तो जगमोहन भाई उनको 2100 रुपये देगा, जा कोई टक्कर में उसका करता हो तो। ठीक है ना जगमोहन? हाँ जी करेंगे। अच्छा, ऐसे चढ़ना है जी, ऐसे नीचे बैठ करके भाई। नमस्कार पशुपालक साथियों, मैं प्रवीण फौजी आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण मोरा फार्म पर आपका स्वागत करता हूं भाई। आज की वीडियो दोस्तों पलादगढ़ गांव से लेकर के आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छा गांव है, काफ़ी अच्छे पशुपालक हैं और काफ़ी अच्छी इधर भैंसे रही हैं। दोस्तों हमेशा मेरा प्रयास भी ये रहता है कि मैं एक से एक नई वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ और एक से एक अच्छी जानकारी लेकर के आऊँ। आज उसी कड़ी में भाई पलादगढ़ गाँव में पहुँचे हैं, और आप देख भी पा रहे हो कि एक से बढ़कर एक अच्छे जो पशुपालक साथी हैं जिन्होंने अपने फील्ड में नाम कमाया है, तो उधर सभी ये पशुपालक पहुँचे हुए हैं, तो उनकी भी नॉलेज आप लोगों को मिलेगी। जो युवा साथी इस वीडियो को देख पा रहे हैं, इस वीडियो से काफ़ी कुछ उनको सीखने को भी मिलेगा। और दोस्तों बात बताऊँ आपको, पलादगढ़ गांव में जो पहुँचे हैं एक जो फर्स्ट टाइमर जो टीवी आपको देखने को मिलेगी, जो कि बहुत ही सुंदर और कौन से सिमन की है ये भी आप लोगों को पूरी जानकारी देंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार जी। क्या नाम है भाई अपना? अनिल यादव जी। अनिल यादव। हाँ। तो कौन सा गांव है, एक बार एड्रेस पता बताएं अपना गाँव पलादगढ़ जी, जिला भिवानी। जिला भिवानी में। तो कितनी एज होगी भाई छोटू? अपनी जी 20 साल। 20 साल होगी। तो पशुपालन का काम करते हो कितने सालों से जी? मतलब हम तो देखने लगे बचपन से ही। बचपन से, यानी कि पिताजी भी बाबाजी भी सारे करते थे। ठीक है, तो कितने पशु रखते थे पहले शुरू से ही? शुरू से तीन चार तो तीन चार हमेशा रहते हैं। हाँ। तो अभी तक आपके आगे जो दूध की निकल के आई, कितने केजी दूध की वैसे निकल के आई? अपने जी 28 की, 29 की, 30 की निकल ली जी। 28, 29, 30 की? हाँ जी। ब्याज? हाँ जी। एक बार फिर सोच के बता भाई। फिर जी एक भैंस बेची थी 4,10,000 रुपए की, 31 किलो दूध की। 31 किलो दूध की? हाँ जी। आज से कम भी 7-8 साल पहले। 7-8 साल पहले? हाँ। तो आप खुद उस टाइम पर कै साल के थे? मैं तो उस टाइम पर बहुत छोटा था जी। छोटा था, खुद करते थे सेवा? उसका दूध देखे था? देखा बस याद है। हॉस्पिटल में तुलवाया था उसका? नहीं जी, अपना घर पर ही। घर पे तुलवा था? हाँ। तो कोई रिकॉर्ड नहीं करा उस टाइम? नहीं, रिकॉर्ड नहीं करा। तो बिक्री करी थी? हाँ जी। कितने रुपए की बिक्री करी? 4,10,000 रुपए की उस टाइम पर। 4,10,000 की। ये देखें दोस्तों, अगर आगे एक सुनने में 28-30 केजी दूध बहुत हो जाता है, लेकिन अगर आम पशुपालक के इतने केजी दूध की उस टाइम में ब्याज रही है, तो ये देख सकते हैं जो हमें कई बार जो 25 प्लस से ऊपर हम उंगली उठाते हैं भाई इतने केजी दूध की। लेकिन अगर जा ये बात है भाई रिकॉर्ड होता, अगर जा ये भाई बोल रहा है उस ब्याज का, तो मैं ये कहता उसका वाम बहुत बड़ा फायदा उठा सकते थे, अच्छी नस्ल ले सकते थे, अच्छे पशुपालन उसे कर सकते थे, अच्छी ब्रीड तैयार कर सकते थे, लेकिन कहीं उस पर रिकॉर्ड नहीं करा। तो अभी आपके पास जो अभी कितने दूध के पशु हैं? अब तो दो भैंस हैं जी। दो भैंस हैं। हाँ। कितने के जी दूध के? ये जी एक 20 की। अच्छा। और एक 18 किलो की। एक 18 किलो की। तो आपने उसका कोई खरना रखा भाई? नहीं जी, उसका खरना नहीं रखा, वो अब सेल कर दी थी।
नहीं, जो भैंस थी आपके पास जो 20-25 किलो से ऊपर की और जो 30 के जी ऊपर की बता रहे हो उसका कोई भी खरना नहीं है आपके पास अभी? नहीं, एक का है जी, काटड़ी अपने पास ये है काटड़ी। 25 प्लस की इसकी माँ का रिकॉर्ड था जी, 27 किलो 735 ग्राम। 27 किलो 735 ग्राम दूध इसने निकाला हुआ है, दूध निकाला हुआ है चलडी में? नहीं, तो चलडी में नहीं, अपने घर पर ही जी। घर पे ही निकाला? 40-50 मानस हो गया। अच्छा, आदमियों के आगे निकाला था जैसे लाइव चलाते हैं वैसे? लाइव चलाकर। ठीक है, तो ये देखें दोस्तों, बिल्कुल साधारण किसान है, कोई किसी प्रकार का ये नहीं है। और उससे पहले मैं आप लोगों को भाई, ऐसा पशुधन है जो भाई के पास जो खरना बताया उसका, उसकी जो कटड़ी दिखा देता हूँ, कितने दिन की है, कैसी है। ये देखें भाई, बिल्कुल जो एक मुर्रा की निशानी होती है, छोटा सींग, सुंदर चेहरा, और बिल्कुल जो आप देख सकते हो माथे की बनावट, बहुत बहुत सुंदर माथे की बनावट है। और भाई ये कितने साल की है कैदा, तुम ये भी देखेंगे एक बार, दांत दिखा भाई इसकी। दो तोड़ रखे हैं जी, दिखा दो दांत है, ठीक है? हाँ, तो ये देखें भाई, छोड़ दे ये दो दांतों में ये जोटी है। और कितने दिन की गैपिन होगी भाई ये जी? 7.5 महीना। 7.5 महीने की गैपिन है अभी। तो ये कौन से बुल की है ये बता सकते हो, कौन से सीमन की है ये जी? HLDB का है जी। HLDB का सरकारी टीके का? हाँ जी। अस्पताल में टीका रखा था इसकी मांग? हाँ जी। तो ये दोस्तों देखें, मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ, जब भाई HLDB ने, जो भारत सरकार ने जो HLDB है, उसने हमारे किसानों को एक ऐसी चीज है जिसकी कोई वो नहीं, मतलब पंचायतों में लगा लो चाहे एक से बढ़कर एक ब्यास लगा लो, जितने भी दूध तुले हैं HLDB ने एक से एक बढ़कर रिकॉर्ड हासिल करे हैं। तो वो खुद भी टिक्के की थी भाई, पता हो इसकी माँ? इसकी माँ का तो नहीं पता, इसकी माँ का पता नहीं। तो ये देखें भाई, आप लोगों को कवर करके दिखा देता हूँ, पीठ पुट्ठे की चौड़ाई देखें भैंस की, बहुत ही सुंदर। अगर आप नज़दीक आकर के इस पशुधन को देखें, क्योंकि ऐसी ऐसी जो पशुधन कई बार क्या होता है कैमरे में कवर करना बड़ा मुश्किल हो जाए। और पीठ पुट्ठे की जो एक मुर्रा के जो पशुधन होने चाहिए वैसे ही आप देख सकते हो, पूछ की टैल की क्वालिटी देख सकते हो कितनी बिल्कुल बारीक टैल है और ब्लैक टैल है। और थनों का जो अभी से विकास कर रही है, जो 7 महीने की गैपन होते हुए और जो थनों का विकास करने जा रही है, बहुत अच्छा, यानी कि हम कह सकते हैं जब ब्याएगी तो और भी अच्छी दूध से निखर के आएगी। तो और भी जो भाई के पास 20 kg प्लस के अभी भी दूध के जो पशु हैं वो भी हैं, लेकिन उनका भी जो रिकॉर्ड है, और जो गांव वाले आए हुए हैं उनसे भी मैं आप लोगों को मिलाऊंगा, उनसे भी जानकारी आप लोगों को काफ़ी मिलेगी। एक और जो पशुधन है ये देखें भाई, काफ़ी अच्छे एडर की ब्यास है। ये कौन से ब्यात की है भाई? ये जी चौथे ब्यात की है। चौथे ब्यात में कितना के जी दूध की है अब जी? इसने 19 किलो दूध अब की बार दिया है। 19 के जी अब की बार दूध दिया है, ये देखें भाई। और डॉक्टर इंद्रजीत की भी जो अपने चैनल पे पहले वीडियो आई थी, उसमें भी हमने यही बात कवर करने की कोशिश करी थी कि भैंस का दूध जिस भैंस का अच्छा है वही ब्रीड को आगे चला सकती है, यानी कि बगैर अकेली अगर जा क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया तो दूध के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो किसानों को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। जैसे भाई ने ये, और भाई आप लोगों को बात बताऊं, मिंटू भाई भी इधर पहुंचे हैं जो कि काफ़ी अच्छे पशुपालक हैं, काफ़ी अच्छे पशुधन उन्होंने रखे हैं और बिक्री भी करे हैं, तो उनसे भी नॉलेज लेंगे और जो गाँव के जो साथी हैं उनसे भी पता कर। नमस्कार मिंटू भाई। नमस्कार जी। नमस्कार, और ठीक ठाक? खूब। एक बार आपका भी काफ़ी दर्शक इंतजार कर रहे हैं, एक बार नाम और एड्रेस फिर बताएं आपका भी जी। गांव पलादगढ़ जी, जिला भिवाणी, नाम मिंटू जी, असली नाम पवन है जी। ठीक है। हाँ। तो पवन भाई ये बताएं एक बार, अभी तक आपने कितने पशु बिक्री कर लिए? 5-6 हज़ार पशु बिक्री कर लिया जी 20 साल का दौरान में। ये देखें 5-6 हज़ार पशु तो सेल कर चुके हैं, यानी कि कई पशु तो कई पशुपालक कई आदमी ऐसे होते हैं 5-6 हज़ार पशु देखे भी नहीं होंगे, सेल करना तो बहुत दूर की बात है। तो इतने पशु तो ये अपने वो कहते हैं ना घर पे ले करके बिक्री कर चुके हैं। हाँ जी। तो मिंटू भाई अभी तक हाइएस्ट कितने दूध की आपके पास वैसे आई ये बताओ भाई? हम ले आया था जी 1,80,000 महेंद्रगढ़ से, मालड़ा गाँव से, राजू रतनिया के पास से जी, साजा में वह ले आया था हम 31 लीटर दूध की। 31 लीटर दूध की? दूध की वह ये भाई हमने साथ जाम ले आया था जब। अच्छा, जब भाई रही है आप? हाँ, हम साथ जाम ले आया था जब, उसमें नू मान ले डिगल का काड़ा ले गया था जी 4,10,000 की, 31 किलो कांडा दूध तोल कर। तो उस टाइम में 4,10,000 की सबसे महंगी बिकी थी? सबसे महंगी बिकी थी जी हमारे भिवाणी जिला में। भिवाणी जिले में किसी की नहीं बिकी थी उस टाइम पर। ठीक है। हाँ। तो ये देखें भाई, उस टाइम में भी मिंटू भाई 30-30 kg दूध के भाई मिंटू का नाम होता था। हम तो फौज से आए तो मिंटू और रिधि भिवाणी में, तो हम इसकी ब्यास देखने भी आते थे भाई कैसा कैसा पशुधन है, तो लोग डरते थे मिंटू से पशु खरीदते समय, पता नहीं अपने दूध देगी कि नहीं देगी इतना। हाँ, ठीक है जी। है? सच्चाई बात थी? सच्चाई की बात है जी। तो मिंटू भाई ये बताएं अभी आपके पास कितने पशु हैं? मेरे पास 2 हैं जी अभी। अच्छा, खर की जोटी 2 जोटी। कितने दूध के हो? एक जोटी तो 15 लीटर दूध
बने हर एक तल 18-18.5 लीटर दूध बने फर्स्ट टाइम। हाँ फर्स्ट टाइम, डब्बे का तोल का नहीं। तो आपके दौरे और बात करांगे और भी आओगे तो ये बताइए आप, इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा आपका, पशुपालन में फायदा है या नुकसान? फायदा जी खूब फायदा है अगर जब मन से काम कराया जाए। तो युवा साथी जो अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, देख पा रहे हैं, इस वीडियो को देखेंगे, तो उनको आप क्या क्या बात बताना चाहोगे? भाई अच्छे ब्रिड के पशु तैयार करो, बेचने को ध्यान कम करो, घर ना रखो, अपनी ब्रिड बनाओ अच्छे पशुओं की, पुराना नस्ल की। तो आपने इतने अच्छा पशु बनाया लेकिन पैसे के लोभ में आपने बिक्री करे तो उनका प्रॉफिट आपको कम मिला, तो अभी आपको भी ये टिश लगती होगी। अगर जब मैं एक ही ब्यास अगर 30 kg की उस टाइम में रख लेता तो आज पैसे की कोई कमी नहीं रहती, नाम की कोई कमी नहीं रहती, मानते हो आप इस बात को? तो ये देखें युवा साथियों, मेरा प्रयास भी ये रहता है कि अच्छी जानकारी मैं आप लोगों तक पहुंचाऊं। तो एक जानकारी तो आप लोगों के लिए यही सीख है, जो कि 4000 से ज़्यादा पशु बिक्री कर चुके हैं उनका एक्सपीरियंस आप लोगों को यही है कि ब्रीड के ऊपर ध्यान दें, अच्छी जो बैसे हैं उनके बच्चे पाड़ें और उनको नस्ल को आगे बढ़ाएं, ताकि जब भी आपका फायदा जब भी बढ़ सकता है, अकेला दूध बेचने से या पशु बेचने से आप प्रॉफिट में नहीं आ सकते। बहुत बहुत धन्यवाद पवन भाई, जो आपने इतनी अच्छी हमारे को जानकारी दी और हमारे जो साथियों को। धन्यवाद अशोक भाई, एक बार अपना एड्रेस पता बताएं। भाई नाम अशोक, गांव दिराना, तहसील डिस्ट्रिक्ट भिवानी। डिस्ट्रिक्ट भिवानी। तो भाई आपसे जानेंगे हम, सबसे पहले आपने मिंटू को भी आप अच्छी तरह जानते हो, जो बोल रहा है कि 30-30 kg दूध के पशुधन रखे हैं, मैं तो देखने नहीं पाया उस टाइम में, आपने देखे हैं इनके पास? भाई हम तो बालक थे उस टाइम पे, तो इतनी नॉलेज नहीं थी, हमने पटिया कर दे जी। बाकी भाई का नाम है, बहुत अच्छी अच्छी भैंस अब भी ले रहा है और पहले भी लेके बेच दी थी, पहले भी लेके बेच दी। हाँ तो ये नाम अभी जो और भी ब्रीडर उबर के आ रहे हैं उनमें कुछ दबता जा रहा है, इसका एक्सपीरियंस अभी कम हो रहा है, क्या चक्कर है या पशु अच्छे नहीं ले रहा? पशु तो अच्छे आ रहे हैं भाई साहब, बाकी कैमरे के आगे नहीं आ रहे इनके पशु, कैमरे के आगे नहीं आ रहे। हाँ। यानी कि ये कहते हैं जो दिखता हो बिकता। हाँ, इनका व्यापार ऑफलाइन का, ऑफलाइन का। और आज का टाइम ऐसा आ गया भाई साहब, मतलब बढ़ा चढ़ा के लोग बना ले अपनी बातें जी, उनकी देख रेख ज्यादा बढ़ रही। तो ये देखे पशुपालक साथियों, मीडिया का जमाना है भाई, जब तक कोई चीज का पता नहीं चलता दूर तक कैसे उस आदमी का पता चलेगा। आज आपके पास एक ऐसा पशुपालक बैठा है जिसका पूरा हरियाणा में नाम रहा उस टाइम में, क्योंकि अभी ऑनलाइन का जमाना आ गया भाई का, अशोक का भी यही मत है कि उसके कारण से जो अच्छे अच्छे पशुपालक थे उनका नाम नहीं, और भी कई ऐसे पशुपालक हैं जिनको कोई जानता नहीं लेकिन उन्होंने 28-28, 30-30 kg दूध की पहले भी पशुधन रखे हैं। जो सिंगवा में इस बार मास्टर है PTI जी, वह जोटी जो इशार और या मुक्सर फर्स्ट आई थी वह मेरे पास से ले गया था जोटी, वह आपके पास? 1,85,000 रुपये की। 1,85,000 रुपये की। तो ये देखें भाई, वो मिंटू है जिसने भाई जिनके आज पशु जिनके पास से गए हुए और हेमुर्रा ब्रीडर कहलाते हैं, और मैं हमेशा बोलता भी रहता हूँ वो पशुपालक तो हमारा छुटेगा जिसने भाई उसका पालन पोषण किया था और जिसने ऐसे ऐसे भैंस रखे थे। तो अशोक भाई आप अपने पास कितने पशु हैं अभी फिलहाल? भाई घर पर तो मैं एक ही पशु रखूँगा। एक ही पशु रखते हो? क्या KG दूध का है भाई? मेरी भैंस 20+ की। 20+ की है, कौन से ब्यात में? दूसरे ब्यात। तो रिकॉर्ड कोई लाइव मिल्किंग करा भाई साहब? करवाते लेकिन भैंस के थोड़ी दिक्कत हो गई थी, जेर रह गई थी, इस वजह से नहीं करवा सके। तो लगभग यही सुनने को आता है अशोक भाई, जैसे अभी मिंटू से भी वही गलती हुई, किसी भैंस का रिकॉर्ड नहीं कराने पाए शायद, और उसी के कारण से हम पिछड़ते जा रहे हैं। आप लोगों को जितने भी साथी गांव के आए हुए हैं वो भी आज सुनते होंगे कि जब तक हम पशु का लाइव मिल्किंग नहीं कराएंगे या कहीं रिकॉर्ड नहीं कराएंगे उसका रिकॉर्ड नहीं माना जाता, और एक बार रिकॉर्ड हो जाता है तो उसका चाहे कटड़ा कैसा भी हो, उसकी कटड़ी कैसे भी हो, अच्छे पैसों में बिकती है। भाई साहब उम्मीद थी 25+ की जी रिकॉर्डिंग करवाने की जी, बाकी भैंस उस जगह पर गई नहीं। गई नहीं, अगर करवाएंगे तो 25+ होगी तो ही करवाएंगे रिकॉर्डिंग। तो भाई 20 kg वाली के भैंस नहीं होती भाई साहब? हो लेकिन भैंस में दम बहुत से। अच्छा आज भी 5 महीने के अपन है, दूध 16-17 kg भी तैयार है। 16-17 kg। तो भाई ये अशोक भाई दिराने से हैं, काफ़ी अच्छे पशुपालक हैं, तो इनकी भी कभी आपको डेयरी फार्म का दिखाएंगे और अच्छे अच्छे पशु रखते हैं। तो इससे पहले और भी जो हमारे बुजुर्ग गाँव के पहुँचे हैं उनसे भी नॉलेज लेते हैं। नमस्कार जी। क्या नाम है जी अपना? मांगेराम जी। आप भी पशु रखते हो? रखा फिलहाल हैं सही। तो एक बार बात बताएं अभी कितने KG दूध का पशु अभी फिलहाल? 15-16 kg। 15-16 kg दूध का। तो सिमन या अस्पताल में दुर्वाओ हो या किस तरह के करो? पंचायती दोटा तो हो जाओ चाहे बनेल तो हो जाओ सिमन तनाव। ये देखें दोस्तों पशुपालक जो बिछड़ता जा रहा है वो मेन कारण यही है अज्ञानता, यानी कि उनकी आगे की रणनी चाहिए, चाहे वो किसी झोटे से रड़ो चाहे कैसे भी रड़े, यानी कि उसके बारने का आगे भी कोई झोटा आ गया, चाहे वो 10 kg दूध वाली माँ का बेटा हो, वह ब्याणी चाहिए उन मतलब नहीं है। इसी वजह से वो फिर 3 साल खराब जाते हैं और इसी वजह से हमारा जो पशुपालन है बिछड़ता जा रहा है। तो और कोई जी अच्छा पशुपालक भाई?
मल्लू नमस्कार जी। तो ये देखें भाई, मेरी वीडियो बड़ी हो सकती है लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये रहता है कि जो युवा साथी इस लाइन से जुड़ते जा रहे हैं उनको अगर अनुभव होता रहा तो काफ़ी अच्छे पशुपालक बन सकते हैं वो भी, और यही मेरा प्रयास रहता है कि कोई ना कोई जानकारी उन तक पहुँचे। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है जी भाई अपना? मनोज कुमार। मनोज, कौन सा गाँव है? पलातगढ़। पलातगढ़ी है। तो अभी आप कितना पशुधन रखे हो? अब दो हैं जी। दो हैं, कितने के जी दूध के? अब एक ब्याई हुई है जी 20 दिन की। हाँ, 21 किलो प्लस है। 20 दिन की ब्याई 21 केजी दूध है। तो पहले आपने दूध तुलवाया है जी? ना जी। और अभी तुलवाओगे? ना जी, दूध नहीं तुलवाऊँ, मैं घर रखूँगा बेचूंगी। के बात टोक हो जाएगी? ना जी, कोई बात नहीं। तो घर रखा जी, क्या खतर, देनी नहीं तो किस लिए? मतलब आपका कहने का मतलब ये है अगर देनी हो तो दूध तुलाओ, नहीं तो नहीं। हाँ जी, मैंने मिंटू से पहले एक भैंस दी है 27 प्लस की। अच्छा, इसने दी थी जी, जामरी का फौजी ले गया था। हाँ, 27 लीटर दूध था। ये देखें भाई, वो गांव है भिवानी का, ऐतिहासिक गांव, जिसमें 27 25 20 प्लस के आम पशु होते हैं, लेकिन अगर दूध तुलवाने की बात करें तो कोई एक आधा पशुपालक ऐसा होगा जिसने अस्पताल में जाके दूध तुलवाया हो। और मैंने अभी आप लोगों को दिखाई है एक फर्स्ट टाइमर जोटी, वो भी मतलब ये करें इतने के जी दूध की वो कटिया है और HLDB की है, लेकिन अस्पताल का एक नज़दीक होते हुए भी ये दूध नहीं तुलवाने पाते। तो भाई आप इसको 27 बताओ 25 बताओ तो इस बात का फायदा क्या हुआ फिर? ये जी सबके सामने यहाँ ताखड़ी पे तुलया था, और ये डाणा गांव है। हाँ, वो लीला राम उसका जमाई है जामरी का फौजी जी। 27 लीटर तखड़ी कट्टे का तोल के गई थी। कट्टे का तोल कितने आदमियों का आगे तुलया था? कम से कम भी 10-15 आदमी थे, इनमें भी कुछ थे ये बैठे हैं। अच्छा, तो अभी आपने मेरा कहने का मतलब है इन आम बनानी पड़ेगी, इन पेड़ खाने पड़ेंगे जो भी आम बनाए, और जब आप तुलवा देते तो मैं अकेला ही बहुत था। वह तो जी आज से 3-4 साल पहले की बात है। हाँ, उस टाइम के ऊपर 2 टाइम तुल के जब कोई वीडियो वाड़ी नहीं बनी थी। वीडियो पहले भी बहुत थी भाई साहब, आप वीडियो नहीं बना तो HLDB भी तो पहले से है सरकारी अस्पताल में भाई, सरकार 10-15 हज़ार रुपए भी दे हुए और हमारा दूध का भी रिकॉर्ड का नाम हमारा गांव में तो जी पहले वीडियो बनी है यहाँ। अच्छा, इससे पहले कोई वीडियो नहीं बनी है ना कोई बनवा हुए, वैसी बात है। अब बनवाया करांगा गई बेरो नहीं थी इस बात। तो ये देखें भाई, आप देख सकते हो इतना दूध वाला गांव, दूध वाला गांव बोल सकता हूं कि 20-25 प्लस की भैंसें इधर और लगभग हर आदमी के घर में, लेकिन दूध का कोई भी रिकॉर्ड नहीं करवा गया। अगर मैं मेरे गांव की बात करूं तो पूरे गांव में अगर 2-4 भैंस भी मैं ये कह दूं 20 केजी की निकाल के लाऊं तो 2 या 4 पशुधन भी निकालना मुश्किल हो जाता, लेकिन हर घर में लगभग 18-20 केजी दूध का पशुधन इस गाँव में है। लेकिन ये कारण रहा है कि रिकॉर्ड नहीं कराने पाए, उस वजह से जो पशुपालन का काम बिछड़ता जा रहा है। लेकिन मैं सभी जो गांव वालों से आग्रह भी करूंगा कि अच्छे पशुधन का जरूर अस्पताल में या लाइव में रिकॉर्ड जरूर कराएं। नमस्कार भाई साहब। जय हिंद। जय हिंद भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्या नाम है जी अपना? मेरा पवन कुमार नाम। पवन, अपना यही गांव है भाई? हाँ जी, पलातगढ़ से। पलातगढ़। तो आप पशुधन रखते हो? हाँ जी, पशुधन रखते है जी। ठीक है, तो आप ये बताएं भाई, आप युवा भी साथी हो तो रिजल्ट लिया है कभी आपने सीमन का? नहीं जी, वही है अज्ञानता कह लो या जो भी आप समझो, हमें इस चीज़ का मतलब कि कभी भी सिमन का या जो रिकॉर्ड का ऐसा हम कभी भी नहीं कर पाए हैं। बाकी पशुधन हर घर में यहाँ पर है और हम भी रखते हैं जी, बचपन से ही मतलब कि देखते आ रहे हैं, फादर रखते थे और हम देखते आ रहे हैं। अभी भी मेरे पास में 5-6 भैंसे हैं जी। 5-6 भैंसे? हाँ जी। तो कितने के जी दूध पे लग? मेरी एक भैंस है जो कि 20 प्लस मतलब कि कांडा नहीं कहेंगे जी उसको, डब्बे का मतलब कि 20 प्लस है जी, और दूसरे जो भैंस है वो 17 प्लस मतलब कि वो भी है जी। वाह जी, ये देखें भाई, जिस पशुपालक से बात कर रहे हैं यानी कि 18-20 के जी दूध से हर आदमी के पास पशुधन खड़ा है इधर, बहुत अच्छा दूध वाला गाँव बोल सकते हैं। लेकिन मेरे को अगर कहीं ना कोई कमी लगी तो ये लगी है, न तो सिमनों के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है न कोई और न किसी सिमन का पता, सिर्फ अपने ये तो समझ लो भाई भगवान भरोसा जो बोलते हैं ना वो गाड़ी चल रही है, क्योंकि इतने के जी दूध का पशुधन होना तो ये भी सौभाग्य की बात है, और फिर उसका ऊपर से रिकॉर्ड न होना ये और भी गलती की बात आ जाती है। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। कौन सा गांव भाई? दिराणा जी। क्या नाम है भाई? नाम धर्मेंद्र जी, बल्लू का नाम से जान। बल्लू, ये देखें भाई, बल्लू भाई है ये काफ़ी फेमस आदमी है और अच्छे पशुपालन रखे हैं। मैं भी इनसे एक भैंस खरीदी थी जो भाई 22-23 के जी दूध की थी। डोलू बरा की दी थी। डोलू भाई, बात बताएं बल्लू भाई, आप अभी फिलहाल कितने पशु ले रहे हो? मेरे पास जी 6 हैं। 6 पशु हैं जी। अभी कितने के जी दूध के आए हैं? मेरे पास जी 2 जोटी हैं 20-20 लीटर की। 2 जोटी अभी तैयार है? तैयार। तो ले बेची का काम अपना? ले बेची का और बाखड़ी सागड़ी पालन का।
बाखड़ी साखड़ी। तो आपने जो फर्स्ट में व्यापार शुरू कराया था वो किस टाइप का व्यापार शुरू कराया था? व्यापार तो जी बाखड़ी साखड़ी ले आकर दे, फिर अच्छी अच्छी कोई कटड़ी तैयार होगी घर पर। हाँ। आपसे दी थी वो। हाँ जी। जिसमें 10 लीटर आपने भरे सुबह, फिर बोले भाई इतना देगी, तो मैंने आपसे ये कहा था कि भाई ये 11 भर तो ले जियो। हाँ। तो आपके सामने 11 लीटर भरा के आप ले गए थे, 7 दिन की थी। 7 दिन की ब्याई। हाँ, तो ये देखे भाई मेरे याद आ गई, 7 दिन की ब्याई थी और 20 केजी दूध मैं उस टाइम में तोल 1,70,000 रुपए की ले गया। 1,70,000 रुपए की ले गया था। आज से 5-6 साल हो गए। ये नोटबंदी का टाइम, नोटबंदी के टाइम में वो ब्याज लेकर के गया था। तो ऐसा ऐसा पशुधन भाई ने रखा है और शरीफ भी वो इतनी थी भाई जिसकी कोई आद नहीं, और उसको भाई जोड़ में लौटने का तो जरूर शौक था। तो ये बात बताएं भाई, आपका एक्सपीरियंस हमारे जो पशुपालकों को काम आया, आपने कोई सिमन का प्रयोग किया है? ना जी, हम तो जोटा तक कराए सब जोटा था। हाँ। तो पंचायती जोटो, पंचायती जोटो का अच्छा रिजल्ट मिला देखो। बढ़िया, गांव में अच्छा जोटा छोड़ा जाता है भैया, अच्छा भी हो न्याय भी हो गया है तो न्याय। तो ये बताएं, आप जो युवा साथी सुन रहे हैं, बाखड़िया जो पशुधन लेकर के आते हो और उनको बिक्री करते हो, तो उसमें ज्यादा बचत है या ताजा ब्याई? जी ताजा भी लिया और बाखड़ी भी, दोनों बाखड़ी लिया। अच्छी हो कोई रख लिया घर पर, अच्छी हो रख लिया वहाँ, यानी कि जैसे 60-70 हज़ार की आ जाती है बाखड़ी और वो डबल हो, डेढ़ की बिक जाए, कोई 80 की बिक जाए, कोई 170 की बिक जाए। ठीक है। तो ये इस टाइप का भाई जो पशुधन भाई रखते हैं और उनसे आप संपर्क भी कर सकते हो, कभी कोई साथी अगर उनसे कोई एक्सपीरियंस लेना चाहे या कोई पशुधन खरीदना चाहे, एक बार नंबर और बता दें अपना। 8396-9450। ने कभी ले बेची का भी काम रहा है, कभी वीडियो बनवाई? नहीं जी, कोई वीडियो नहीं। तो ये देखें भाई, आज कितने आदमियों से मिले, कभी इन्होंने वीडियो का भी पता नहीं, और इतना अच्छा अच्छा पशुधन रखा है। तो जो कई का साथी हैं जो भी मीडिया से बाहर रहते हैं, इसलिए भाई उनको पता नहीं है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी भाई साहब? संजय कुमार जी। संजय कुमार, कौन सा गाँव है? गाँव गोरीपुर जी। गोरीपुर। ये देखें भाई, 3-4 गाँव के तो लोग बैठे हैं इधर, तो कैसे आना होया इधर, एक बात ये बताएं। भाई साहब ने बताया कि अपना साथी नंदगांव का, बोले भाई बढ़िया जोटी है। अच्छा, वो देखो प्रहलादगढ़। प्रहलाद। तो हम आप देखने आ गए। हाँ। तो ये देखें भाई, देख के बहुत बढ़िया लगा जी, वास्तव तो में जोटी। सिर्फ जोटी को देखने के लिए इधर पहुंचे थे। और भाई को आप लोगों को बात बता दूं, HLDB के इतना सुंदर नगीना, और भाई मेरा भी सौभाग्य है कि भाइयों ने मैं बुलाया और मैं आ गया, नहीं तो और कोई आता तो ये पता नहीं कौन से सिमन की बन जाती। लेकिन जो सच्चाई बात इन्होंने बताई, और जो सिमन का भी नाम ये कह रहे हैं भाई, ये छोटू क्या नाम बताया था भाई आपने? अनिल। ये के अस्पताल में पता करके भी बताएंगे ये कौन से सिमन की है। ठीक है, कोशिश करेगा। यस। ठीक है, तो लगभग कौन से सन में हुई थी ये तो याद होगा? ये जिनों लगा लियो अपना घर में जन्मे डी, घर में जन्मे उड़ी है। तो अक्टूबर 2021 को जन्म लिया था। 11 अक्टूबर 2021 की तो ये भाई पैदा है, तो उससे 10 महीने पहले की उसकी वो डेट निकाल के ना ये बता भी देंगे। ठीक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे भाई पशुपालन के बारे में? जी साहब, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई जैसे कि एक तो गांव में है, जैसे हम सरकारी जोटे से करवा रहे हैं जी, तो गांव की पंचायत ने चाहिए कि एक बढ़िया जोटा छोड़ा जाए। हाँ। ताकि लोगों का मतलब रिजल्ट अच्छा हो। एक जो जमींदार आदमी है वो पशुपालक है, एक तो वो 70-80 का और एक वो 2-4 लाख का हो, 2-4 लाख ठीक है, तभी ऊपर उठ सके है जी। दूसरा, थोड़ा आप वीडियो देखी, मैंने भी देखी आपकी, खूब बढ़िया वीडियो लगी है जी, जी। तो काफी लोग जागरूक भी हुए हैं आपकी वीडियो से, जागरूक। हाँ, तो अच्छे सीमन का प्रयोग करा तो अच्छा पशुधन तैयार होगा। तो ये देखें दोस्तों, मेरा उद्देश्य भी यही है, और भाई ने जो बताया कि काफी लोग अभी जागरूक भी हुए हैं, मेरा मकसद ये है जिस दिन हर घर में 15 केजी 20 केजी का हर घर में पशुपालन हो, और जैसे ही हम ये, मेरी ये इच्छा है कि पूरा भारत में ही दूध का उत्पादन बढ़े, जिससे भाई नकली दूध से भी छुटकारा मिले और अच्छे जो हमारे जो युवा पीढ़ी है उनको अच्छा दूध पीने को मिले, थैलियों वालों से भी पीछा छूटे। एक बार फिर मैं आपको दिखा देता हूँ भाई, और काफ़ी सुंदर एक छोटा हा चेहरा देख सकते हो, कितना छोटा सींग, रिंग सींग, और मासूमियत देख सकते हो इस पशुधन की। काफ़ी सुंदर भाई ने पशु तैयार किया है, और इसकी माँ का जो रिकॉर्ड बताया था भाई, 27 किलो 735 ग्राम दूध जो गांव के आगे मिल्क रिकॉर्ड इसे का होया है, जो इसकी माँ का। और ये एक बात और बताएं भाई, अगर इसको सेल भी करना चाहोगे? ना जी, अभी कोई मन में नहीं है। अभी कोई मन में नहीं है, तो ब्याने के बाद ही देखोगे। हाँ। ठीक है, वैसे आए हैं, देखिए लगाए भी हैं, पर सेल करने के भी सेल करने का कोई इरादा नहीं। तो इसको भाई अभी डाइट में क्या क्या दे रहा है? इतना नेचुरल इसका काला कलर है, ब्लैक। बस जी अपना देसी डाइट। देसी डाइट, तो कोई खनिज मिश्रण वगैरह भी देता है? खनिज मिश्रण तो जैसे मिनरल मिक्सर डाल दिया बस। मिनरल मिक्सर डालते हो? कितना डालते हो? 50 से 100 ग्राम की। 50 से 100 ग्राम। ठीक है, ठीक है भाई।
तो ये जो पूरी डिटेल थी भाई इस जोटी की, और कभी जब ये बहने का नज़दीक होगी जब भी इसको पशुधन को दिखाया जाएगा, एक बार खोल के फिर दिखा दे एक बार चला करके। दांतों में दो है, दांत चेक करा दिए थे, और आप लोगों को भाई इसका एक बार फिर ऐसा पशुधन सभी जो पशुपालकों को देखने को दिल भी करता है, नहीं दांत तो देख लिए एक बार इधर ही चला दे लंबा, तो ये देखें भाई ताकि आप लोग ऐसा जो सुंदर पशुधन गांव से निकल के आता है तो एक बार फिर कवर करके दिखा देते हैं। थनों की बनावट एक बार फिर दिखा देता हूँ, यानी कि जब ये ब्याएगी तो उस टाइम पे बहुत ही अच्छा गैप और निखर के आएगी, ये हमारे को उम्मीद है क्योंकि पहले ही पता चल रहा है कि थनों का जो गैप है वो बहुत ही अच्छा इसे जोटी ने लेंगे। नमस्कार भाई। नमस्कार भाई। क्या नाम है भाई? दर्शकों सभी को नमस्कार भाई। नमस्कार भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। कौन सा काम भाई अपना? अपना गाँव पलादगढ़ी है। पलादगढ़ है तो दो चार तो रख रहे हो डंग? आप घर पे भी हैं, दो पशु हैं और बाकी सेल परचेज का भी कर लेते हैं। आपका सेल परचेज का भी काम? कितने दिनों से कर रहे हो? यही चार पांच साल से। चार पांच सालों से। तो आप अभी जो पशुधन रख रहे हैं क्या के जी का है अभी फिलहाल? अभी दोनों बाखड़े हैं, मतलब एक 5 महीने की एक हर की जोटी जो गांव से ही ली थी। अच्छा। उसमें आप डब्बे का 14-15 लीटर दूध है अभी। हाँ। कितने के जी पर ली थी ये? जमींदार के तो 10 किलो ही देख के ले आए थे प्रवीण भाई साहब। अपना आके मतलब बढ़िया खिलाया है तो उसमें बढ़ोतरी हुई है, 15 किलो आज लीटर दूध है उसमें। दूध आज भी है? 10 केजी पे ली थी। हाँ 10 केजी पे लेके आए थे, 6 महीने करीब ब्याई है वो। तो बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल अच्छा पशु है, इसीलिए पहले से सेल के लिए ले आए थे लेकिन आगे के लिए थोड़ा अच्छा लगा तो वो घर पे ही रख लिया। घर पे रख लिया। तो अभी गैपन करा दिया? गैपन तो अभी वो हुई नहीं है। अभी नहीं हुई है? नहीं हुई है। तो मेरा भाई ये बताएं, आप पशुधन रखते हो तो कौन सा आप सरकारी सीमन का इस्तेमाल करते हो, प्राइवेट का करते हो, या कौन सा आपने रिजल्ट लिया है अभी तक? अभी ऐसा तो कोई रिजल्ट प्रवीण भाई साहब लिया नहीं है, बाकी जो गांव में पंचायती बुल छूटे हैं उन्हीं से कराते हैं। कितने केजी के छूटे हैं गांव में पंचायती? लगभग तो रिकॉर्डेड ही छोड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है, तभी तो ये छोटी गांव के ही बुल की पैदा हुई हुई है, गांव के गांव में ही पैदा हुई है ये। बिल्कुल। हाँ तो अच्छी ही रही है। अच्छी रही है। हाँ। तो ये देखें भाई पंचायती बुल 6 महीने की भी आई, अपने 15 लीटर दूध निकाल रही है तो अच्छी है। अच्छी है और अच्छा ही बुल की थी। पंचायती बुलों को अगर जो छोड़ा जाए गांव में तो मैं ये कहता हूँ जैसे सीमन को भाई कई पशुधन नहीं मानते, ईट का पता नहीं चलता, बहुत फर्क पड़ता है। अगर जाए इस वीडियो को कोई भी गांव का भाई चाहे सरपंच और भी सुन रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि गांव में अच्छे बुल छोड़ने चाहिए पंचायतों के द्वारा, जिससे अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। जैसे इससे पहले मैंने भाई बहनी चंद्रपाल की जो पंचायत थी उसका भी बुल का रिजल्ट दिखाया था, श्री सरखास की जो पंचायत के थे उसके भी काफ़ी रिजल्ट दिखाए थे पंचायती जोटे के, यानी कि पूरे गाँव को जमींदार आदमियों को उसका फायदा मिल रहा है और अच्छी उसका रिजल्ट भी ले रहे हैं। ठीक है। एक 20 लीटर की तैयारी है जी जिसके पास बाखड़ी जोटी। बाखड़ी जोटी। हाँ दूसरी है वो अब 4 महीने से ऊपर गया बिन भी हो चुकी है, 14-15 लीटर डब्बे का भी तैयार भी है उसमें। अच्छा। ब्याई भी वो करीब 9 या 10 महीने के करीब हो चुकी है। ठीक है। तो ताजा का कितना? ताजा 20 सैकड़ों है वो। 20 सैकड़ों से। वो भी गांव से ली थी? हाँ गांव से ही ली थी, खर की जोटी ली थी, 4 महीने की ब्याई खर की जोटी ली गांव से ही, 15 लीटर डब्बे का उस टाइम उसमें तैयार था। अब वो तीसरे ब्याई हुई है अपने, अभी तीसरी। हाँ दो काटे दी थी उसकी, एक तो बल्लू को ही दी है उस भाई को। अच्छा। और एक पंजाब के लेके गए थे, एक पंजाब। तो काटी दोनों सेल कर दी। तो हाईएस्ट कितने रुपए की सेल करी है हमने? हाईएस्ट तो मैंने 1,48,000 रुपए की भैंस बेची थी। और कटड़ी? कटड़ी तो 55,000 रुपए की उसी की दी है। 55,000 रुपए। तो भाई वापिस आपके पास पहुँचे हैं मिंटू के पास भी भाई, लास्ट में एक डाइट का रह गया क्योंकि डाइट से और से पूछने की जरूरत नहीं है, काफ़ी हर तरह की भाई कहते हैं आउंटी उंटी जो भी होया करना सारी डाल के आउंटियाँ नहीं हो दे चुका है, तो कौन सी का रिजल्ट कौन सा रहा है ये बात पूछेंगे। तो भाई आप बेशक मिंटू भाई बताइए चाहे ना बताइए, वो क्या अगर चीनी की आउंटी, गुड़ की आउंटी, शक्कर की आउंटी और मिश्री की आउंटी, पता नहीं क्या क्या की सारी आउंटियाँ का भाई बेरा आपने, तो सबका फायदा हो जाएगी इसी बात बता, कौन सी आउंटी का कौन सी का रिजल्ट बढ़िया भाई? जो कई तो तेल की आउंटी मान जाए जी, जी कई घी की मान जाए हैं जी, कोई सूखी चीनी नहीं मान जाए, कोई सूखी चीनी नहीं। हाँ मतलब सीधी खांड गेर दे तो भी मतलब। हाँ कई कई मैंने एक भैंस डो की निवास में लगाई थी। हाँ मेरी भैंस फर्स्ट आई थी, 23 किलो 840 ग्राम दूध दियो थो। हाँ वो नू समझ ले जी, मैंने 5 किलो उसको खांड खिला दी थी, 3 किलो गुड़ खिला दिया था, 8 किलो मीठा खा गई थी। ये देखें भाई 8 किलो मीठा खा गई थी, यानी कि तो दूध में कितना फर्क होया खिला दूध में? मैं घर ने नाप के ले गया था जी, मैं उसका 22 लीटर। अच्छा। वहाँ मान के चलो उसको लास्ट वाली खड 13 किलो 200 कुछ ग्राम दूध काट दिया था उस मीठा तो, खिलाने से। तो किसी ने बताई आपको कि नहीं? आप... मैंने पता था जी उसको कि मीठा खाओ मीठा खाओ। एक मेरी भैंस छिपार में पहला नंबर पर फर्स्ट आई थी जी, जी सारा चौधरी गामा में थी, उड़ा मेरा नाम से तो लगी नहीं थी। हाँ। मैंने सारंग पर सुबे लंबरदार के नाम से लगवाई थी जी, उसको दिया था दूध को रिकॉर्ड करो थोड़ा
22 किलो 600 कुछ 40 ग्राम दूध को रिकॉर्ड करे तो मेरी भैंस छिपार में फर्स्ट आई है। हाँ, एक हमारी भैंस डाणे में भी फर्स्ट आई थी 21 किलो 870 ग्राम में। 21 किलो 870। हाँ, तो भाई जी HLT में माइस्ट क्या रिकॉर्ड की दूध कराई है? मैंने रिकॉर्ड करवाया 23 किलो 800 ग्राम रिकॉर्ड करवाया है, जो निवास लगते थे उनमें। आईएस्ट कितने रुपए की अभी तक बेची है? मैंने 4,10,000 रुपए की आईएस्ट भैंस बेची है। हाँ। तो कटड़ी जो छोटी कटड़ी होती है, छोटी कटड़ी नू मान के चलो जी लाख रुपया की, 50,000 की, 80,000 की, लाख से ऊपर कोई कटड़ी सेल नहीं करी। छोटी कटड़ी जो 12 महीने ही थी, 12 महीने की इस रेट में हो करी है। तो एक और बात बताएं, जैसे लोग सेब खिलाते हैं, कई गाजर खिलाते हैं, तो इनसे भी दूध बढ़ता है? भाई मैंने तो सेब खिलाया और गाजर खिलाया, इनसे कोई असर नहीं आया हमारे पशु को तो। कोई असर नहीं। चना भी खिलाया कभी? हाँ, चना भी खिला देते हैं। मिलता है रिजल्ट? हाँ, मिलता। मेथी से? मेथी तो सबसे बेस्ट है, सबसे बेस्ट है सर्दियों में खास। तो ये दोस्तों आज की जानकारी, मैं भाई पूरी लगभग डिटेल देने की आप लोगों को कोशिश करी गई है, कि एक से एक अच्छी जानकारी देने की कोशिश करी है। और भाई जो गांव में देखते हैं भाई, जहां पर सभी भाईचारा बैठता है, तो कुछ ना कुछ अपने जिसमें कलाकारी होती है वो इस टाइप का अपने कर्तव्य भी दिखाते रहते हैं। तो एक जो खास कर्तव्य है जो कि कभी किसी किसी गांव में ऐसा मिलता है, तो आज जो भाई है आप देख पा रहे हो, क्या नाम है भाई अपना? जगमोहन। तो जगमोहन भी एक आप लोगों को भाई साथ के साथ एक ये खेल भी दिखाएंगे आपको भाई, कैसे ये करेंगे। तो कै साल का हो गया जगमोहन? 40 का तकरीबन हो गया जी। 40 साल का हो गया। तो पहला गेम गेम करया करते? ना जी कुछ नहीं, बस यो है अपने जमींदार आए। जमींदार आए तो के करा गई वे? ये वैसे जी खाट पर चढ़ने की कोशिश करूँ, कई दिन हो गए उसका चढ़ जाऊंगा। अच्छा, कई दिन हो गए। तो यो खेल किस सीख लिया तने? यो जी एक मारे बुढ़ा था बुजुर्ग, उसने सिखाया था जी। उसने सिखाया था, वो करता रहा करता? वो उसने बताया था एक बार, वो ज्यादा उम्र का हो रहा था उस टाइम पे, जब हम छोटे बच्चे थे उस टाइम पे बताया था। तो ये देखे भाई, इसमें आप देख पा रहे हो, घुमा दे भाई कैमरा, इसमें जवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं। अगर कोई करता हो ना, तो जगमोहन भाई उनको 2100 रुपये देगा, जा कोई टक्कर में उसका करता हो तो। ठीक है ना जगमोहन? हाँ जी। तो ये देखें भाई, आपको क्या करने जा रहा है, तो आप भी अपने ट्राई करके देख सकते हो, ऐसा कर सकते हो कि नहीं। देखते हैं क्या कर रहा है जगमोहन भाई, दिखाएं। देखो जी, हो तो गए कई दिन, लेकिन कोशिश करेंगे। अच्छा, ऐसे चढ़ना है जी? ऐसे नीचे बैठ करके भाई, ऐसे खाट में कोई चढ़ के दिखा दो। ठीक है भाई, वो तो गया आज का नाम का यार, बूढ़े हो गए। हाँ, बूढ़ा हो गया, 40 साल का हो गया। तो ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम सुरेश कुमार। सुरेश कुमार, कौन सा? पलातगढ़ी गांव है। हाँ, पलातगढ़ी गांव। अच्छा, कितनी एज होगी जी? मेरी 61 साल। 61 साल होगी। तो आप क्या सर्विस करते थे? मैं बैंक से रिटायर हुआ हूँ। बैंक से रिटायर? कौन से बैंक से? सर्व हरियाणा ग्रामीण। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक से। किस पद से? मैनेजर से। हाँ, मैनेजर। अच्छा, तो बच्चे क्या काम करते हैं? बच्चे, बड़ा लड़का तो आई है, छोटा कैग में है। कैब में? कैग। कैग क्या होता है जी? कैग ये ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, ऑडिट कंट्रोलर। ऑडिट, ये देखें भाई, IAS सुनने में आपको आसान सा लगता होगा, लेकिन IAS अगर बात करें तो भाई जिले में ही एक दो बनते हैं, और जिसके भाई अच्छे काम कर रहे हैं, जिन्होंने माँ बाप ने, उनकी औलाद ऐसी निकलती है। और फख्र भी महसूस होता है भाई कि एक जो मैनेजर के पद से रिटायरमेंट हुए और बच्चों को इतनी अच्छी प्रवेश दी, इतनी अच्छी पढ़ाई दी, कि उनके लड़के आज IAS भी बने हैं। तो कौन से विभाग में हैं जी अभी वो लड़का जी? हाँ जी, वो ADC है जी। कौन सी जगह? अमीरपुर। अमीरपुर CMCT हिमाचल में। हिमाचल में। ठीक है, कितनी एज होगी जी उनके? 2018 26 साल का लग गया था जी। 27 साल का। 26 साल का। तो ये देखें भाई, और आप भी पशुपालन करते हो अभी भी? हाँ, पशुपालन क्या करते जी, अब तो नहीं है भैंस अभी, कोई भैंस भी नहीं। तो बच्चों की शादी कर दी होगी? हाँ, बच्चों, उनको भी शौक है दूध दाद पीने का, अभी वो तो नहीं रखते होंगे? ना, दूध दाद पी ले नहीं, क्यों, ऐसी बात नहीं। पशु नहीं रखते? पशु अब फिलहाल नहीं रख रहे। नहीं, तो क्या करते? तो जो युवा साथी है उनको क्या संदेश दोगे भाई, पढ़ाई के बारे में, या भाई खेल कूद के बारे में, या पशुपालन के बारे में? भाई पशु रखना तो बहुत अच्छी बात है, जरूर रखना, जरूर रखना चाहिए ग्रामीण क्षेत्र में तो जी। और अपने साथ साथ बच्चे पढ़ाई भी करना चाहिए अपने। तो पढ़ाई आप उन बच्चों को किस टाइप का ख्याल रखते थे भाई, बच्चों को कैसे पढ़ाई करानी है? उनको स्कूल से आते ही ये कहते थे भाई पढ़ो, ट्यूशन लगाओ, फलाना लगाओ, तो इस टाइप का क्या ध्यान रखते थे विशेष? ना, उस टाइम तो इतने ट्यूशन की भी नहीं थी जी, बाकी ठीक स्कूल में पढ़ाए थे वे शुरू में, मतलब यहाँ वेस्ट मॉडल स्कूल में जी, ये जो पंजाब नेशनल के सामने वेस्ट मॉडल स्कूल, इसे पढ़ा था, और बाद में वेस्ट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग रोहतक से। रोहतक से? ठीक है, तो बहुत बढ़िया भाई।
तो ये और भी कोई सर कोई खास संदेश साथियों के लिए? ये तो मेहनत का हुआ है, जितने बच्चे मेहनत करेंगे जिसमें लगन होगी वही लड़का मेहनत करेगा, और माँ बाप की कोई दबाव से कोई बच्चा ये नहीं करेगा, दबाव से नहीं करेगा, खुद की इच्छा होगी ना तो ही करेगा। तो ये देखें भाई, बच्चे अगर अपना खुद इंटरेस्ट रखेंगे, खुद मेहनत करेंगे, जब ही कामयाब हो सकते हैं। किसी के दाब से या माँ बाप के हमेशा कहने से पीटने से कुछ नहीं होता, यानी कि जिन बच्चों ने सफल होना हो अपने मेहनत करें। वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में बताना। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु।